बिहार में 14 साल पहले ही एपीएमसी नीतीश सरकार ने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से कहते हैं कि खरीदारी नहीं हो पाती है अनाजों की। तो नीतीश जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी तो डम्मी हैं, उन तो बेचारे अपने कटघरा में खड़े हैं, उनको कब हटा दिया जाएगा ये कहना मुश्किल है। उनको तो मजबूरी में बनाया गया है, जो हो ना हो कहीं राजद के साथ वो चल जाए। नीतीश जी भी कुछ नहीं बोल रहे। नीतीश जी को बोलना पड़ेगा, ये अपने हैं क्या, मुख्यमंत्री हैं और क्या? नहीं, बाहर से मुख्यमंत्री है, अंदर से कुछ नहीं है। अभी अंदर की हाल जान लीजिए। क्या है अंदर का हाल बताइए जनता को। अंदर की हाल यही है कि बंगाल चुनाव तक ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि क्या है। सरकार है ही किसान विरोधी, नाटक कर रही थी कि किसानों का आमदनी बढ़ाना है, आय बढ़ाना है, 2000 रुपया दे रहे हैं और उसके पूरे अधिकार पर ही कानूनी रूप से हमला कर रही है। तो यह सरकार किसान विरोधी है और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, कृषि कानून को हटाने के लिए मांग कर रहा है। आज 34 दिन हो गया है, सरकार न माने तो सरकार नहीं मानेगी और कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो देश की जनता मोदी जी को वापस ले लेगा और गांव बैठा देगा। इस पर जो है किसान तुला हुआ। तो नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां राज्य के कोने कोने से किसान आए हैं और कृषि कानून के खिलाफ राजभवन मार्च करने के लिए पहुंचे हैं। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है तमाम किसान संगठनों के नेता और किसान यहां जुटे हैं। अब से कुछ देर बाद ये लोग सभी राजभवन मार्च करेंगे और सरकार पर इस बात को के लिए दबाव डालने के लिए ये लोग राजभवन मार्च करेंगे कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उसे ख़त्म किया जाए, कृषि बिल को वापस लिया जाए। ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए कि आप कहां से आए हैं? लेना होगा। हम भोजपुर से आए हैं। जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि काला कानून कृषि बिल जो आया है सरकार के तरफ गरीब किसानों पर थोपा गया है, उसे वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस दर पर जो है किसानों का धान खरीदारी हो, जो बिहार में नहीं हो रहा है। और जो कह रहा है कि पैक्स के द्वारा लिया जाएगा, तो अभी तक कहाँ क्रय केंद्र कहीं खोला गया है? कहीं तो कोई किसी किसान का धान नहीं लिया जा रहा है। तो पैक्स के जरिए सरकार तो कर रही है, 1868 रुपये के भाव से हम धान खरीद रहे हैं। सरकार के कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। इस सरकार के पूरे 14 से लेकर के अभी समय तक के कथनी को आप याद करेंगे, वो करनी में तब्दील नहीं है। दूसरी बात है कि आज ये हम लोग इस गांधी मैदान में आए हैं और हम लोग तमाम बिहार के किसान एक शब्द में कहना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहता है कि आप कृषि 3 कानून को तत्काल वापस करें और किसानों से वार्ता करें। हम दिल्ली में संघर्षरत किसानों को ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई ये 34 दिन से जो लड़ रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। और बिहार में भी अगर सरकार 3 कृषि कानून को वापस तत्काल नहीं लेती है तो अब बिहार में भी पंजाब हरियाणा जैसे आंदोलन तेज करेंगे। हम लोग यही आज फैसला करेंगे। हम आज महामहिम राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करेंगे कि आप कृषि 3 बिल को वापस करवाइए। ये आग्रह पर अगर फैसला नहीं होता है तो बिहार में भी उसी तरह के किसान आंदोलन तेज होगा। लेकिन जो 34 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं, 34 दिन के बाद भी सरकार तो डग से मग नहीं हो रही, उनकी मंशा ऐसी नहीं दिख रही कि वो कृषि बिल को वापस लेंगे। ये सरकार है ही किसान विरोधी, नाटक कर रही थी कि किसानों का आमदनी बढ़ाना है, आय बढ़ाना है, 2000 रुपया दे रहे हैं
और उसके पूरे अधिकार पर ही कानूनी रूप से हमला कर रही है। तो यह सरकार किसान विरोधी है और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, कृषि कानून को हटाने के लिए मांग कर रहा है। आज 34 दिन हो गया है, सरकार न माने तो सरकार नहीं मानेगी और कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो देश की जनता मोदी जी को वापस ले लेगा और गांव बैठा देगा। इस पर जो है किसान तुला हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि ये इनका कहना है कि सरकार भले ही हमारी बातों को अनसुनी कर रही हो लेकिन ये उनके लिए महंगा पड़ने वाला है, जनता चुप नहीं बैठेगी और मोदी जी की कुर्सी हिला देगी। ये यहाँ लोग कह रहे हैं और ये लोग देखिए इसी तरह से तमाम कई किसान संगठन से जुड़े हैं जो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे कोरोना महामारी में जब सारे देश को बंद कर दिया था उस समय चोरी छुपे किसानों के खिलाफ तीन काले कानून को लेकर के आया और जिसके विरोध में पूरे देश में किसान आज आंदोलित हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली की ओर चारी ओर देश भर के किसान वहाँ बैठे हुए हैं। किसानों को कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, किसानों को कभी खालिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, चीनी कहा जाता है या राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। इस सरकार के खिलाफ आज जितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं सारे लोगों को राष्ट्र विरोधी बोलने की एक आदत सी पड़ गई है और यह कानून जो है किसानों के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को और गहरा करेगा, महंगाई बढ़ाएगा और आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, समझे? जी जी जी। ये बताइए कि किसान संगठनों ने जो है मांग की प्रस्ताव भेजा है सरकार को, लेकिन सरकार ने बुलावा तो भेजा है लेकिन किस एजेंडे पे बात होगी इस पे कुछ नहीं बताया है। क्या लग रहा है कि सरकार की मंशा जो है वो किसानों से बात करने की है? जी नहीं, सरकार की मंशा कोई किसानों से बात करने की नहीं है, इसलिए कि किसान का एक सूत्री मांग है कि तीन काले कानून को वापस लिया जाए और वह वापस लिया जाए लोकसभा की बैठक आहूत करके और उसमें प्रस्ताव बजाबता पास करके। सिर्फ आश्वासन से किसान मानने वाले नहीं हैं, यह किसान को जिस तरह से कानून बनाया गया है उसी तरह से इस कानून को वापस लेना होगा, उसके बाद ही किसान इसको मानेंगे। सरकार कहती है कि हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन करेंगे, जिससे कि पूरे देश के किसान इस बात की मांग करते हैं कि हम किसी संशोधन को नहीं मानते हैं, इस तीन काले कानून को वापस लीजिए, इसके सिवा वार्ता का कोई दूसरा कारण नहीं है, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, यह किसानों की मांग है। हाँ बिल्कुल, ध्यान देना होगा, हम लोग आंदोलन के जरिए उनको झुकाएंगे। हाँ आंदोलन तो 34 दिनों से चल रहा है, जितना दिन में वो झुकेंगे उतना दिन में उनको झुकाएंगे, झुका के हम लोग दम लेंगे। हाँ देख लीजिए बॉर्डर पे क्या हो रहा है, खेल तमाशा। नीतीश जी भी कुछ नहीं बोल रहे? नीतीश जी को बोलना पड़ेगा, ये अपने हैं क्या मुख्यमंत्री हैं और क्या? नहीं, बाहर से मुख्यमंत्री हैं, अंदर से कुछ नहीं है। अभी अंदर की हाल जान लीजिए, क्या है अंदर का हाल बताइए जनता को। अंदर की हाल यही है कि बंगाल चुनाव तक ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि क्या है। ये बताइए कि आप किस संगठन से जुड़ी हुए? बिहार महिला समाज के संगठन से। तो आप लोग किसानों को मतलब मदद करने आए हैं, किसान के पक्ष में खड़े होने आए हैं? हाँ हाँ, किसान के पक्ष में खड़े होने आए हैं। आप कहाँ से आए मैडम? हम लोग भी आए हैं बिहार महिला समाज से आए सर। हम लोग जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, जब तक वो काले कानून जब वापस नहीं लेंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आप बताइए। मैं बिहार महिला समाज के जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऐसे मेरा घर मधुबनी है, मैं यहाँ पटना में रहती हूँ, मेरा नाम राजश्री किरण है। अभी जो किसान के साथ जो अपराध हो रहा है सरकार के द्वारा, अगर सरकार किसान की मांग नहीं मानेगी तो आज गांधी मैदान हम लोग हैं, हम लोग दिल्ली जाने के तैयारी में हैं। बहुत लोगों का रिजर्वेशन हो गया है, बहुत लोग गाड़ी बुक कर लिए हैं, हम लोग भी प्लान बना रहे हैं जो अधिक से अधिक महिला को लेकर के हम लोग वहाँ किसान के समर्थन में जाए। आज हम लोग किसान के समर्थन में हैं, किसान नहीं रहेगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? किसान अनाज उपजाती है तब तो हम लोग खाते हैं,
आप देख लीजिए जो किसान का बेटा पूरा देश के सुरक्षा के लिए सीमा पर मर रहा है और यहाँ 34 दिन से उसका बाप यहाँ दिल्ली में मर रहा है और सरकार सोई हुई है, कहती है हमारा 56 इंच का सीना है, किसका उपजाया हुआ अनाज खा करके मोदी जी का 56 इंच का सीना है। हम उस दर्जी को खोज रहे हैं जो उनका 56 इंच का सीना कौन नापा और किसके अनाज उपजाए हुए खा करके उनका 36 इंच का। उनको शर्म होना चाहिए जो इस ठंड में हमारी किसान के टैक्स से वो पुलिस को दरमाहा देते हैं और उसी पुलिस से हमारे किसान के ऊपर लाठी बरसाते हैं। मैं घोर निंदा करती हूँ बिहार महिला समाज के तरफ से। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। ये बताइए कि मोदी जी जो है किसान जो है 34 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी जी मानेंगे? नहीं, कैसे मानेंगे, उनको तो मानना होगा। उनको अब शर्म होती है जो हम अपना बनाया हुआ कानून कैसे वापस लें। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, अभी तो 34 दिन हुआ है, 34 महीना भी हम लोग को बैठना होगा तो उनको कानून वापस करना होगा। जब तक वापस नहीं करेंगे हम लोग अपना घर वापस नहीं होंगे। हम लोग भी तैयारी करके आए हैं जो जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगी हम लोग घर नहीं जाएंगे। मरना है तो यहीं मरना है और जीना है तो किसान के साथ जीना है। बिहार में 14 साल पहले ही APMC नीतीश सरकार ने ख़त्म कर दिया था जिसकी वजह से कहते हैं कि खरीदारी नहीं हो पाती है अनाजों की, तो नीतीश जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी तो डम्मी हैं, उन तो बेचारे अपने कटघरा में खड़े हैं, उनको कब हटा दिया जाएगा ये कहना मुश्किल है। उनको तो मजबूरी में बनाया गया है, जो हो ना हो कहीं राजद के साथ वो चल जाए, इसलिए उनको बनाया गया है और कोई बात नहीं है। हमारी मांग है धान की खरीद में मांग है 1,800 रुपये धान खरीदारी हो पैक्स के द्वारा, अब करवा रहे हैं, बिहार में हो रही है ऐसा।